सोनिया बीबी कहाँ हो? मैं आ गया गोल्फ में। हाँ आ जाओ जल्दी। आ रहा हूँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ आ जाओ। लगता है वो रही सामने। हाँ चलो चलो चलते हैं। हेलो मेरे बाबू अमित, कैसे हो? अरे बेबी मैं तो बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी यार आज, इसलिए सोचा मिलने चलते हैं। हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तुम तो बहुत कम मिलते हो मुझे यार आजकल। अरे कहाँ कम मिलता हूँ, जब भी टाइम होता है मिलने आता हूँ। वैसे आजकल क्या करते हो तुम? घर पे फ्री बैठे रहते हो या फिर कुछ काम वाम भी करते हो? हाँ अरे मैं अभी तो यार कुछ नहीं करता, कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ काम वाम मिल जावे तो, अच्छी नौकरी वोकरी मिल जावे इसी की तलाश में हूँ। क्या हम कब से खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, बैठ के बात करते हैं ना, और एक वो भी कर देना। ये क्या होता है जरा बताना। इसको बोलते हैं हिंदी में चूमना और इंग्लिश में किस कर दो, मेरी विश पूरी कर दो ना। लो फिर कर लो। बस इतना सा? इतने से क्या होगा, थोड़ा और लंबा करो ना। नहीं नहीं आज के लिए बहुत है, फिर कभी, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा सुनो ना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। हाँ तुम भी मुझे कभी छोड़कर मत जाना, हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे हेलो अमित सुनो ना, हमें बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए दूर, कहीं चलते हैं ना घूमने। हाँ अरे बेबी यार अभी घूमने जाएंगे साले, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझको थोड़ी अभी पैसों की ज़रूरत भी है यार। क्या बोलूँ मैं, अभी नहीं चल सकते, फिर कभी चलें। तुमसे तो बोलना ही बेकार है, जब बोलती हूँ तब मना कर देते हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अरे वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, कौन था वो? अरे मुझे भी तुम्हें मना करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार पैसे भी तो होने चाहिए ना पास में, अभी मेरी कोई जॉब भी नहीं लगी है ढंग की, कभी कभी कोई काम मिलता है थोड़ा सा तो वो मैं कर लेता हूँ, जब पैसे आएंगे तो हम बहुत घूमेंगे। ना जाने कब तो तुम्हारी जॉब लगेगी और कब तुम्हारे पास पैसे आएंगे, लगता है तब तक तो मैं बूढ़ी होकर मर ही जाऊंगी। अरे ये वापस आ गया। अरे पता नहीं कौन है ये, यहाँ क्या करने आया है ये गाड़ी लेके? अरे ये तो इधर ही आ रहा है। अरे हेलो भैया एंड मैडम, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर बढ़िया से महंगा रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा खाना खाने के लिए? क्या है ना कि मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ रहने के लिए, तो मुझे खाना खाना है। अरे भाई तुझे पता नहीं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कौन दुकानदार या कौन रेस्टोरेंट वाला अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठेगा? हाँ अरे चलिए छोड़िए इसे तो, वैसे आप बताइए क्या आप यहाँ पर नए नए रहने आए हो, और वो जो गाड़ी है वो भी आपकी है? हाँ हाँ मैं यहाँ पर नया नया रहने आया हूँ, मेरी गाड़ी देखनी है आपको? चलिए मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है ना गाड़ी भी है कार भी है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, बस अब एक गर्लफ्रेंड की कमी है, बस मेरी एक गर्लफ्रेंड होगी ना तो उसे मैं इसी गाड़ी पे घुमाऊंगा, कार में घुमाऊंगा। चलिए अभी तो मैं चलता हूँ, लेट आ रहा हूँ, फिर मिलूंगा, बाय बाय। अबे कितना हरामी आदमी था साला, पैसों की दोस्त दिखा रहा है हमें। सही तो बोल रहा था वो, उसके पास हैं पैसे तभी तो दिखा रहा है वो, और हो एक हो तुम, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे बेबी तुम भी ना यार कैसी बातें करने लग गई हो अब पैसों की, चलो छोड़ो ना इसे, कहीं टहलने चलते हैं यार। नहीं अब मैं तुम्हारे साथ तभी घूमूंगी जब तुम गाड़ी वाड़ी लेके आओगे, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पैदल घूमने में अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्म आती है मुझे। अरे बेबी लेकिन मैं गाड़ी कहाँ से लाऊंगा यार, इतने तो पैसे ही नहीं है मेरे पास। वो मुझे नहीं पता, कैसे भी करके लेके आओ वरना किसी और लड़की को ढूंढ लो, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अरे बेबी सुनो ना यार, अरे यार अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं यार गाड़ी, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, हट यार, चलो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा पैसों का।
लाला भाई से पैसे मांगता हूँ, शायद ये पैसे दे दे उधार तो मैं गाड़ी वाड़ी लेके आ जाऊँगा। अरे ये क्या बात कर रहे होंगे, बस पैसे दे दे। अरे हेलो लाला भाई, कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तू बोल क्या काम बढ़ गया तेरे को मेरे से? हाँ लाला भाई के अड्डे पे कैसे आना हुआ? अरे वो लाला भाई, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, आप क्या मुझे पैसे उधार दे सकते हो? क्या पैसे और तेरे को? साले क्यों दूर में तेरे को पैसे उधार? तेरे को मैं पैसे उधार क्यों दूं? हाँ आ जाते हैं साले कहाँ कहाँ से मुंह उठा के। अरे लाला भाई प्लीज दे दो ना, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, अभी मेरे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है भाई। क्या बे, गाड़ी खरीदनी है तो साला गाड़ी खरीदेगा तो क्या हमारे ऊपर खरीदेगा? निकल ले यहाँ से पहली फुर्सत में, कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम जैसे लोगों को अगर हम पैसे देने लग गए तो हमारा क्या होगा, निकल यहाँ से। चलिए ठीक है लाला भाई, मैं चलता हूँ, सॉरी आपको परेशान करने के लिए, अब क्या करूँ यार। फिर क्या था, अमित को पैसे उधार मांगने पर पैसे उधार नहीं मिले तो उसने सोचा कहीं पर जॉब की ट्राई करते हैं, शायद जॉब मिल जाए तो वो एक इंटरव्यू देने के लिए आता है। बस यार ये अगर जॉब लग जाए तो फिर मेरा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपकी नौकरी लग गई है, आप जाइए। चलिए नेक्स्ट कौन है, कौन इंटरव्यू देने आ रहा है, जल्दी से आ जाइए अंदर। आया सर, आया, अंदर आया मैं। नमस्ते सर, कैसे हो? सर मुझे यहाँ पर जॉब करनी है सर। अच्छा ठीक है, चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। अच्छा चलो बताओ, पढ़ाई कितनी की है? हाँ सर मैंने 10वीं क्लास तक की है। मैं पढ़ाई में पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन 10वीं में आने के बाद है ना, मेरे पढ़ाई करने का मन ही नहीं किया, तो मैं 3 बार फेल हो गया, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम ऐसा करो अपनी नौकरी यहाँ पर पक्की समझो, सबसे ऊंची पोस्ट तुम्हें मिलेगी। 10वीं में 3 बार फेल जो हो ना तुम। क्या सच में सर? मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी सर? अबे तुम तो सीरियस ही हो गए, मेरे कहने का मतलब है निकल लो यहाँ से, तुम्हारी नौकरी नहीं लग सकती, तुम मेरी कंपनी को डुबा दोगे। 10वीं तुमसे पास नहीं हो पाई 3 बार में और तुम यहाँ पर नौकरी लगने आ गए। सर सर प्लीज प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए सर, सर प्लीज मैं कुछ भी कर लूंगा सर, मुझे रख लीजिए ना प्लीज प्लीज सर। एक बार बोल दिया ना मैंने, जाओ यहाँ से। ठीक है सर, जाता हूँ। यार अब क्या करूँ, नौकरी भी नहीं मिल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, भगवान क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे, कहाँ से आएंगे मेरे पास पैसे, कहाँ से लाऊंगा मैं गाड़ी। बहुत जगह नौकरी की ट्राई करने के बाद जब अमित को नौकरी नहीं मिलती तो वो अपने घर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में 2 आदमी दिखाई देते हैं जो आपस में पैसे बांट रहे होते हैं किसी चीज़ के। तो अमित सोचता है इनके पैसे उठाकर मैं भाग जाता हूँ, वो उनके पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों आदमी अमित का पीछा करते हैं लेकिन अमित उनके हाथ नहीं आता, वो भाग जाता है वहाँ से। अरे वाह, आखिरकार उन्होंने मेरा पीछा छोड़ ही दिया, लगता है साले चोरी करके लाए थे कहीं से पैसे और मैंने उनके पैसे चोरी कर लिए। अब मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ इन पैसों से गाड़ी भी आ जाएगी और मेरे सारे सपने पूरे भी हो जाएंगे। चलो चलता हूँ यहाँ से। फिर अमित जब अपने घर जा रहा होता है तो वह रास्ते में सोचता है कि अब मैं गाड़ी खरीदूँगा और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में घुमाऊँगा और उसे मना लूँगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस रास्ते से वो जा रहा है सामने उसे वही मिलेगी किसी और से बातें करती हुई। अरे ये तो सोनिया है। हेलो सोनिया, तुम और यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? अमित तुम्हें मैं ये बात बताना जरूरी नहीं समझती, और हाँ सुन लो, आज से मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप, ठीक है? अरे लेकिन ये क्या बोल रही हो बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्योंकि तुम मुझे कभी खुश नहीं रख सकते, ना तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो ना मेरी ख्वाहिशें, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और आज से ये जो गाड़ी में बैठा ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ गए ना? अरे ये तो वही लड़का है ना जो हमें उस दिन मिला था, इसने पटा लिया तुम्हें? हाँ
सुनो ना बेबी, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं ना आत्महत्या कर लूंगा, बोल रहा हूँ मैं पहले ही। सब ऐसे ही बोलते हैं, तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुनो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा सच में, सुनो। क्या करूं अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, अब मैं जा रहा हूं मरने, अब मुझे नहीं जीना, अब मैं जा रहा हूं, मैं यहां से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा, अब मुझे नहीं जीना, अब मैं नहीं जीना चाहता, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, अब मैं मरना चाहता हूं। सोनिया, तुम एक दिन जरूर पछताओगी, मैं मरने जा रहा हूं, तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, अब मैं जा रहा हूं ये दुनिया छोड़कर, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, लोग याद करेंगे मुझे कि प्यार में आशिक क्या क्या कर जाते हैं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया। आज की ब्रेकिंग न्यूज रिवर साइड के पुल से एक अमित नाम के लड़के ने छलांग मारकर की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि प्यार में पड़ा हुआ था ये लड़का और इसने कर ली आत्महत्या। कौन है इसका कातिल? क्या अमित ने सच में आत्महत्या कर ली? अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं।